तो भैया कैसे हो आप लोग। और पांडा विजन के पहले दो एपिसोड्स रिलीज़ कर दिए गए हैं और भैया मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं उन दो एपिसोड्स का वैसे रिव्यू बना लेता, ब्रेकडाउन बना लेता। लेकिन अब मैंने सोचा कि भैया चलो कुछ दिन तो गुजर ही चुके हैं, तो क्यों ना मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं अपनी थियरी बताऊं कि मुझे क्या लगता है कि वांडा के साथ क्या हो रहा है इस पूरे सीजन के अंदर। मतलब यू नो, इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट कि इस सीजन का विलन कौन है। इज इट मेफिस्टो, इज इट नाइटमेयर, इज इट समवन एल्स। वांडा की ये रियलिटी बनी कैसे, क्या कोई बंदा वांडा के माइंड के साथ छेड़खानी कर रहा है या फिर वो खुद ऐसा कर रही है। इस वीडियो में मैं आपको ये सारे जवाब देने वाला हूँ, तो यार जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक और साथ में कर लो सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि भाई ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो पहले मैं आपको अपना रिव्यू दे देता हूँ थोड़ा सा हल्का फुल्का कि मुझे वांडा विजन कैसा लगा विदाउट एनी स्पॉयलर्स, क्योंकि स्पॉयलर्स वाली बात तो बाद में आएगी। मैं देखो, मेरा ख्याल है कि यार इट इज़ अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट मार्वल फेज 4। मतलब कि जिस तरह हमें पता है कि मार्वल का फेज 4 मल्टीवर्स पर फोकस करने वाला है, और ना सिर्फ फेज 4 बल्कि आगे के मार्वल के जो 10 साल हैं वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स पे ही फोकस्ड होंगे, तो भाई वांडा विजन से अच्छा तरीका क्या हो सकता है फेज 4 को शुरू करने का। मतलब इट हैज अल्टरनेट रियलिटी, इट हैज सम थिंग्स टू डू विद मल्टीवर्स एंड देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू। सो आई थिंक दिस वॉज द परफेक्ट वे टू स्टार्ट मार्वल्स फेज 4। और अगर हम बात करते हैं इस शो की यूनिकनेस की, तो भाई ये शो बहुत ज़्यादा यूनिक है। मार्वल ने आज तक ऐसी कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं की, और बिल्कुल जिस तरह केविन फाइगी ने कहा था कि भाई ये जो शो है ये क्लासिक 1950s के ज़माने के सिटकॉम्स जैसा होगा, एग्जैक्टली वैसा ही है। मुझे पता है इस चीज़ से बहुत सारे लोग को एतराज़ भी है कि भाई क्या मतलब, हमने तो देखे नहीं हुए तो ये तो वो, मतलब यार वो आप पे है, आपको पता लग गया था कि ये चीज इस तरह की होने वाली है, आपको थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए थी। बट ओके, हर बंदे का अपना अपना टेस्ट होता है। मैं तो ये कहूंगा कि मुझे ये 50s वाले सिटकॉम वाली फील बहुत अच्छी लगी, और इट इज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। थोड़े दिन पहले केविन फाइगी ने कहा था कि वांडा विजन जैसा एक्सपीरियंस आपको किसी मूवी में नहीं मिल सकता, एंड आई थिंक ही वॉज राइट, क्योंकि वाकई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। इट इज नॉट इवन पॉसिबल टू सी समथिंग लाइक दिस इन सिनेमा। और मेरा ख्याल है ये स्टेप उठा के वांडा विजन कुछ हद तक 90s वाले जमाने के या उससे पुराने जमाने के सिटकॉम्स जो थे उनको ट्रिब्यूट भी दे रही है, तो इट इज अ गुड थिंग, सबको खुश होना चाहिए इस बारे में। अब बात करते हैं इस शो में की गई कॉमेडी की। तो जिस तरह हमें पता है कि भाई मार्वल PG-13 है, मार्वल चाइल्ड फ्रेंडली चीजें बनाता है, तो इसका थोड़ा बहुत अंदाजा था हमें कि यार इस शो में भी चाइल्ड फ्रेंडली कॉमेडी ही होगी। लेकिन इस पॉइंट पर यह शो मुझे सरप्राइज कर गया, क्योंकि चाइल्ड फ्रेंडली कॉमेडी तो की है इस शो में। दो एपिसोड देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई चाइल्ड फ्रेंडली कॉमेडी तो है, लेकिन उसके साथ थोड़ी बहुत अडल्ट कॉमेडी भी ऐड की गई है। थोड़े डबल मीनिंग जोक्स हमें सुनने को मिल जाते हैं इसके फर्स्ट 2 एपिसोड्स में। सो आई थिंक ये भी एक मार्वल की बहुत अच्छी मूव है, एक बहुत क्रिएटिव मूव है कि उनको पता है कि यार सिर्फ चाइल्ड फ्रेंडली चीजें बनाने से काम नहीं चलता, थोड़ी सी मतलब डबल मीनिंग चीजें ऐड करनी चाहिए ताकि एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस भी अट्रैक्ट हो शो की तरफ। और इस सब के बाद मेरा ख्याल है एक्टिंग की तो बात करने की जरूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि हमें पता है एलिजाबेथ ओल्सन, पॉल बेटनी, कैथरीन हैन और कैट डेनिक्स भी हमें इस शो में देखेंगे, तो भाई एक्टिंग की बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्टिंग तो महापरफेक्ट। खैर ये तो था मेरा वांडा विजन के एपिसोड 1 एंड 2 का छोटा सा स्पॉइलर फ्री रिव्यू। अब मैं आता हूँ उस टॉपिक पे जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है, मतलब के वांडा विजन की पॉसिबल स्टोरी लाइन। अब यहाँ से भाई स्पॉइलर्स आने वाले हैं, तो भैया अगर अभी तक तुमने ये दोनों एपिसोड नहीं देखे तो निगल, पहली फुर्सत में निगल। सीन्स का ब्रेकडाउन करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि भाई मैं कोई सीन बाय सीन, शॉट बाय शॉट ब्रेकडाउन नहीं कर रहा कि भाई शुरू ऐसे हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ और एंड ऐसे हुआ, मैं ये नहीं कर रहा। मैं जो स्टोरी के इंपॉर्टेंट सीन्स है ना, जो एपिसोड्स के इंपॉर्टेंट सीन है, सिर्फ उनको डिस्कस करूंगा कि मुझे क्या लगता है कहाँ जाएगी आगे चल के स्टोरी इन सीन्स को देखते हुए। जिसमें से मेरा ख्याल है मेरा पहला पॉइंट यही आएगा कि विजन वॉज एक्टिंग अ लॉट मोर ह्यूमन। मतलब अगर आप पहली वाली मूवीज देखो मार्वल की जिसमें विजन है, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन को छोड़ के, मतलब सिविल वॉर या फिर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, तो आपको पता लगेगा कि यार विजन थोड़ा बहुत है ह्यूमन टाइप, लेकिन ज्यादातर उसकी एक रोबोटिक साइड हमें देखने को मिलती है। बट दैट चेंज्ड इन वांडा विजन। वांडा विजन में हमने देखा है कि विजन तो 50% ह्यूमन है, 50% रोबोट है। वैसे मुझे पता है कि लोगों के पास इससे बड़े बड़े सवाल भी हैं, जैसे कि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई विजन जिंदा कैसे हुआ और वांडा 1950s में क्या कर रही है विजन के साथ। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है,
जो मेरा ख्याल है कि एक तरह से आंसर भी है कि यार मे भी विजन जिंदा ही नहीं हुआ, और मे भी ये सारी रियलिटी, ये वेस्ट व्यू की टाइमलाइन वांडा के माइंड में चल रही है। मतलब कि जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, वांडा एक्चुअल में विजन के साथ नहीं है पुराने टाइम में, वांडा एक्चुअल वर्ल्ड में सो रही है और ये उसका ख्वाब है, उसका ड्रीम है, जिसमें वो इमेजिन कर रही है कि किस तरह वो और विजन एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं 1950s में, फिर 1960s, फिर 70s, फिर 80s, फिर 90s, इसी तरह प्रेजेंट टाइम आ जाएगा। सो आई थिंक दैट्स वाई विजन इज एक्टिंग मोर ह्यूमन, क्योंकि ये एक्चुअल विजन है ही नहीं, ये सिर्फ एक वांडा के माइंड की इमेजिनेशन है। मेरा दूसरा पॉइंट है एग्नेस से रिलेटेड, जो कि है वांडा की नेबर, कि जब एग्नेस वांडा के घर आती है एपिसोड 1 में, तो वो उससे आते ही धड़ाधड़ सवाल पूछने लग जाती है कि भाई तेरी शादी कब हुई, तेरी स्टोरी क्या है, तेरे अभी तक बच्चे क्यों नहीं है। अब उसे कौन बताए कि भाई विजन रोबोट है, उसका कोई हथियार नहीं है, मतलब ये उसको जरूरी ना बता सकते। सॉरी सॉरी, जरा यहाँ वहाँ निकल जाता हूँ मैं। खैर, बैक टू द पॉइंट। जस्ट लाइक दैट, लेटर इन एपिसोड 1 हम देखते हैं कि मिस्टर हार्ट भी वांडा से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई तेरी स्टोरी क्या और तेरे बच्चे क्यों नहीं। खैर, मैं कहना ये चाहता हूँ कि यार अगर ये रियलिटी वांडा की है, अगर ये रियलिटी वांडा के माइंड में एग्जिस्ट कर रही है, उसकी इमेजिनेशन है, तो फिर उसकी इमेजिनेशन के लोग उसी की इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग क्यों नहीं काम कर रहे। रुको 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 रुको, ज़्यादा न्यूटन के लॉ समझने की ज़रूरत नहीं है भाई, हम समझाते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। देखो, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है एज ह्यूमन बींग्स, जब हम किसी आर्ग्यूमेंट में होते हैं और अगला हमें दो तीन करारी बातें सुनाता है, तो हम चुप कर जाते हैं, क्योंकि हमें उस वक्त बहुत गुस्सा आया होता है, हमारी फटी हुई होती है। लेकिन जब हम घर आते हैं, हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं उस आर्ग्यूमेंट के बारे में, तो हमारे दिमाग में 300+ जवाब आ जाते हैं कि यार मैं उसको ये कह सकता था, मैं उसको ये कह सकता था, लेकिन मैंने कहा ही नहीं। ह्यूमन बीइंग्स अपने दिमाग में एक ऐसी रियलिटी बना लेते हैं जिस रियलिटी में वो अपने साथ आर्ग्यूमेंट करने वाले बंदे को 100 बेहतरीन जवाब देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये वांडा की रियलिटी है, तो इसमें लोग वांडा के अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं कर रहे, वो वांडा के अकॉर्डिंग बातें क्यों नहीं कर रहे। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये बात ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई ये जो कैरेक्टर्स हैं, जिस तरह मिस्टर हार्ट और एग्नेस का कैरेक्टर, स्पेशली एग्नेस का कैरेक्टर, ये एक्चुअल में मेफिस्टो के लिए काम कर रहे हैं। मतलब ये मेफिस्टो के प्लांट किए हुए लोग हैं वांडा की रियलिटी के अंदर। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि वांडा के गार्डन में एक कलरफुल हेलीकॉप्टर पड़ा होता है। जैसा कि हमने देखा है कि पहले 2 एपिसोड्स में पूरी स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट है, पूरे फ्रेम ब्लैक एंड व्हाइट चल रहे हैं, लेकिन वो हेलीकॉप्टर रेड कलर में था, तो इट वॉज अ स्ट्रेंज थिंग। लेकिन अगर आप उस हेलीकॉप्टर को गौर से देखो, तो आपको पता लगता है कि उस हेलीकॉप्टर पे एक सोर्ड का लोगो था। तो कहीं ना कहीं ये बात पॉसिबल है कि सोर्ड का हेलीकॉप्टर वांडा की रियलिटी में आया, लेकिन वो हेलीकॉप्टर वांडा की रियलिटी में आने से एक टॉय हेलीकॉप्टर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह का कुछ रेफरेंस हमें मिलता है एपिसोड 2 में आगे चल के, जब डॉटी वांडा से कहती है कि भाई मैं जानती हूँ तुम कौन हो, और भी इस तरह के बहुत सारे सवाल करती है। और तब हम सुनते हैं रेडियो पे एक आवाज को, और वो आवाज ये कह रही होती है कि वांडा हु इज डूइंग दिस टू यू। और एपिसोड 2 की एंडिंग सीन तो भाई कमाल ही हो गई ना। मतलब हमने देखा कि एक बी कीपर एक गटर में से बाहर निकलता है और वांडा की तरफ देखता है। वांडा सिर्फ एक बात कहती है और वो है नो, और वो टाइम रिवर्स कर देती है। मतलब इट इज़ अमेजिंग। डॉक्टर स्ट्रेंज को तो भाई टाइम स्टोन की ज़रूरत है, वांडा को तो वो भी नहीं है, वांडा अपनी पावर से कर सकती है। प्लस हमने एपिसोड 2 के एंडिंग सीन में यह भी देखा कि वांडा प्रेग्नेंट हो गई है, और वो जो ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम्स थे, अब वो कलरफुल दुनिया में बदल रहे हैं। तो मेरी थ्योरी तो ये है इस पूरी स्टोरी लाइन के लिए कि भाई वांडा असल में सो रही है एक्चुअल वर्ल्ड में, और ये सब उसकी इमेजिनेशन का हिस्सा है। लेकिन एग्नेस और मिस्टर हार्ट और डॉटी इतने इंडिपेंडेंटली क्वेश्चंस किस तरह पूछ रहे हैं, उसके पीछे मेफिस्टो है। जिस तरह आपने नोटिस किया होगा कि ये सारे लोग कहीं ना कहीं वांडा से उसके बच्चों के बारे में पूछते हैं कि भाई तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं है। और अगर आपके पास कॉमिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि वांडा के बच्चों का और मेफिस्टो का क्या कनेक्शन था। सो आई थिंक वांडा के बच्चे मेफिस्टो की वजह से ही होंगे। मेफिस्टो ही इस बात को पॉसिबल करेगा, बिकॉज ही इज गोना यूज देम फॉर समथिंग बिग। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस सारे सिनेरियो में सोर्ड का क्या रोल है, सोर्ड का क्या सीन होगा इस पूरे
पूरे सिनारियों में। तो सोर्ड से रिलेटेड भी मेरे पास एक थियोरी है, और वो ये है कि वांडा सोते हुए अपनी इमेजिनेशन में इतनी घुल मिल गई है कि उसकी इमेजिनेशन रियल वर्ल्ड को इफेक्ट करने लगी है। मतलब मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता रियल वर्ल्ड के लोग भी उसकी दुनिया में ट्रैप हो जाएंगे, और इस वजह से सोर्ड वांडा को जगाने की कोशिश करेगा उसको सिग्नल भेज के। और मुझे लगता है कि वांडा लास्ट मिनट तक रिजिस्ट करती रहेगी, वो इस रियलिटी से बाहर नहीं आना चाहेगी। इवन कि मुझे ये भी लगता है कि सोर्ड इस रियलिटी में एंटर हो जाएगी और वो किसी ना किसी तरह वांडा को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन क्योंकि वांडा इस रियलिटी में अपनी एक हैप्पी मैरिड लाइफ गुजार रही होगी, उसका हस्बैंड उसके साथ है, उसके बच्चे उसके साथ हैं, तो मुझे ये लगता है कि भाई जैसे ही वो अपने उस ख्वाब से उठेगी और वो रियल वर्ल्ड को दोबारा से देखेगी, शी इज गोइंग टू स्नैप। मुझे लगता है कि वांडा को एक तरह से एक पैनिक अटैक होगा और फिर वो सब कुछ उड़ा देगी और एक्चुअल में रियलिटी भी चेंज कर देगी और मल्टीवर्स को भी खतरे में डाल देगी। और क्योंकि अब सिर्फ बात इस दुनिया की नहीं रहेगी बल्कि पूरे मल्टीवर्स की हो जाएगी, तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह वांडा विजन कनेक्ट होता है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से, और किस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को काबू में करता है, और साथ में हमें यह भी पता चल जाएगा कि मेफिस्टो के ग्रेटर प्लान्स क्या थे। और पॉल बेटनी जो कि विजन का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि वांडा विजन में हमें एक सरप्राइज एक्टर देखने को मिलेगा जो कि आज तक हमें एमसीयू में नहीं दिखा, लेकिन वैसे फैंस उसको जानते हैं। लेकिन जैसे ही उस एक्टर की अपीयरेंस होगी वांडा विजन में, तो फैंस आर गोइंग टू लूज देयर माइंड। इस अनाउंसमेंट के बाद हमें बहुत सारी ये रिपोर्ट्स मिली थी कि इवान पीटर्स एमसीयू में दिखेंगे एज एमसीयूज मेफिस्टो। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं माइकल फैसबेंडर एज मैग्नीटो हो सकता है वांडा विजन के एंड में, लेकिन भाई अभी के लिए मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अगर मैं बात करूँ मोस्ट ऑब्वियस सिनेरियो की, तो वो मुझे ये लगता है कि इवान पीटर्स होंगे एमसीयू में। तो यार ये थी मेरी वांडा विजन की स्टोरी लाइन की प्रेडिक्शन एंड मे बी पॉसिबल स्पॉयलर्स इन इट टू। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या मेरी ये थियोरी ठीक है, या अगर आपके पास आपकी कोई अपनी थियोरी है तो मेक श्योर कि आप लोग उसे कमेंट्स में ज़रूर डालना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी ही वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा फ्यूचर में भी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।